नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट, इंग्लिश में बोल देंगे सेव नर्मदा मूवमेंट और हिंदी में बोल देंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, तो नॉन गवर्नमेंटल हो गया, एनजीओ कह देते हैं इसको। जैसे सलमान खान है हमारे जो फिल्म एक्टर, उनका एक एनजीओ है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ह्यूमन, ये गवर्नमेंट की हेल्प के बिना क्या करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत एनजीओ चलते हैं दुनिया में, बहुत एनजीओ चल भी रहे हैं, तो ये लोगों की हेल्प करते हैं अपनी इच्छा से वॉलंटरली। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपके एक एनजीओ है जो मोबिलाइज करता है लोगों को, गैदर करता है, इकट्ठा करता है कौन कौन से लोगों को, ट्राइबल पीपल को, फार्मर को, एनवायरमेंटलिस्ट को। एनवायरमेंटलिस्ट कौन हो गए, जो आपके एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एफर्ट्स करते हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो ह्यूमन के राइट्स के लिए काम करते हैं, 9th क्लास में आपने भी पढ़ा था ह्यूमन राइट के लिए, डेमोक्रेटिक राइट में ह्यूमन राइट, जैसे NHRC है हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बना था वो, जो मतलब कि जैसे आपका कोई राइट अधिकार कोई दे नहीं दे रहा, मतलब कि आपके अधिकार को आपसे कोई डिप्राइव कर रहा है, वंचित कर रहा है, तो है ना उसको वो है ना, ये आदमी के अधिकारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए वर्ल्ड में, ये इंडिया में ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है ना एक्टिव रहते हैं ह्यूमन को उसके राइट अधिकार दिलाने के लिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये लोग हैं, एक बार फिर वो ट्राइबल पीपल हैं जो आपके, उसके साथ साथ में फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और ये किसका विरोध कर रहे हैं, सरदार सरोवर डैम, ये गुजरात में बना नर्मदा रिवर के ऊपर। इट ओरिजिनली रूप से किस पे फोकस था इसका, शुरुआत में किस चीज के ऊपर फोकस था नर्मदा बचाओ आंदोलन का, इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम। ओरिजिनल पर्पज क्या था, ओरिजिनल फोकस क्या था नर्मदा बचाओ आंदोलन का, एनवायरमेंट को बचाना इसका मेन ओरिजिनल फोकस था शुरुआत में। बाद में तो और भी मतलब इसने कई अपने मतलब कि ऑब्जेक्टिव बना लिए, उद्देश्य बना लिए कि हम विरोध इसलिए कर रहे हैं सरदार सरोवर डैम बनने का नर्मदा रिवर के ऊपर, लेकिन शुरुआत में इनका मेन पर्पस था सिर्फ एनवायरमेंट को बचाना शुरुआत में। और ये क्या बोल रहे थे कि है ना भाई, जो है ट्री है ना वो सबमर्ज हो जाएंगे बे डैम की वजह से, आसपास के एरिया में पानी फैल जाएगा तो सारे पेड़ पौधे डूब जाएंगे, उससे एनवायरनमेंट का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट को बचाना ही इनका ओरिजिनल फोकस था, शुरुआती फोकस था नर्मदा बचाओ आंदोलन का। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं कई बार, विच वॉज द ओरिजिनल फोकस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, ओरिजिनल फोकस वॉज टू प्रिवेंट एनवायरमेंट एंड टू प्रिवेंट ट्री। रिसेंटली, लेकिन हाल ही के सालों में, मतलब जो लेटेस्ट जो ईयर्स है उनको बोलेंगे रिसेंटली, हाल ही के सालों में इट हैज रिफोकस्ड, इसका और फोकस क्या हो गया, शुरुआती फोकस तो हमने एक क्या था, लेकिन फिर बाद में इसके और भी क्या बन गए, मतलब कि है ना और भी बहुत से इसके उद्देश्य बन गए फोकस, और दूसरी चीजों पर भी इसका हो गया इस आंदोलन का। पहला फोकस एक तो शुरुआत में तो यही था, लेकिन बाद में इसने अपनी जो विरोध कर रहे हैं अपने आंदोलन में एक और चीज भी जोड़ ली कि हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे बन रहा है। रिसेंटली इट हैज रिफोकस्ड द एम टू एनेबल पुअर सिटीजन्स एस्पेशली द ऑस्टिस डिस्प्लेस्ड पीपल टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन इसका अब और क्या फोकस बन गया है, इसका जो है ना दोबारा से इसने दोबारा दूसरी दूसरा फोकस इसका क्या बन गया कि है ना जो पुअर सिटीजन है जो डैम के बनने की वजह से डिस्प्लेस हो गए हैं
उनको क्या बोलेंगे आपके, ऑस्टिस। तो ऑस्टिस किसको बोलते हैं, डिस्प्लेस पीपल को, विस्थापित होते हैं जो, जिनकी जमीन जायदाद, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि नर्मदा रिवर पे आपके सरदार सरोवर डैम बनने से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गए, उनको रिहेबिलिटेशन मिले। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि उनको भी जो उजाड़ दिया गया है, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया है, उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट किया जाए, बसाया जाए। गवर्नमेंट ने उनको उजाड़ तो दिया, उनकी जमीन जायदाद सब कुछ छीन लिया, वहां पे डैम बना करके और डुबो दिया उनके सारे प्रॉपर्टी को, लेकिन उनको गवर्नमेंट अभी रिहेबिलिटेट करे। रिहेबिलिटेट कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट उनको दोबारा से फिर बसाए। गवर्नमेंट ने उजाड़ तो दिया लेकिन बसाया नहीं। तो इसको लेकर भी आपके यहाँ पे विरोध कर रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो एक्टिविस्ट हैं। और मैंने इसका बता दिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो आपके जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेन पर्सनैलिटी है, वो कौन थी आपके, मेघा पाटेकर, गुजरात की बहुत ही बड़ी सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। तो ये तो था, देखिए नर्मदा, तो इसी वजह से विरोध हो रहा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। और मेन फोकस देखो, नर्मदा बचाओ ने देखा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये, लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये नुकसान है। इसी वजह से आज ये स्क्यूरिटनी के और अपोजिशन के अंडर में आ गए हैं, मतलब कि है ना, इनका लोग विरोध कर रहे हैं, यही रीजन है। अब देखिए हम रिहंद के, जो रिहंद डैम बना, अभी मैं बताता हूँ कि रिहंद डैम कहाँ पे बना, और रिहंद डैम जो बना आपके है ना, उसकी वजह से लोगों को क्या नुकसान हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन में तो देख लिया आपने कि लोगों को किस तरीके से आपके सफर को फील करना पड़ा। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन, एक्सेप्टेड द ट्रोमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिलीविंग इन द प्रोमिस ऑफ इरिगेटेड फील्ड्स एंड पेनफुल प्लेंटिफुल हार्वेस्ट। सो ऑफन द सर्वाइवर्स ऑफ रिहंद टोल्ड अस दैट दे एक्सेप्टेड देयर सफरिंग्स एज सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ देयर नेशन, बट नाउ आफ्टर 30 bitter years ऑफ बींग एड्रिफ्ट, देयर लाइवलीहुड हैविंग इवन बींग मोर प्रिकॉरियस, दे कीप आस्किंग आर वी द ओनली वंस चूजन टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर द नेशन। तो यहाँ पे रिहंद डैम बना, रिहंद डैम कहाँ पे बना है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। रिहंद डैम बना जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर की एक राइट साइड टेरिविटरी है। तो राइट साइड जो टेरिविटरी है गंगा की, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था आपके ड्रेनेज के लेसन में, गंगा की राइट साइड टेरिविटरी है, उसका नाम है सोन। और सोन रिवर की है ना टेरिविटरी है आपके रिहंद, और रिहंद के रिवर के ऊपर बना है रिहंद डैम। और रिहंद डैम का पूरा नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी कहते हैं रिहंद डैम को। तो रिहंद रिवर के ऊपर बना है, तो ध्यान रखेंगे गंगा की टेरिब्यूटरी सोन, और सोन की टेरिब्यूटरी रिहंद, और रिहंद रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना है आपके, रिहंद डैम। और रिहंद डैम का दूसरा नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है। तो पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी एंड, लोग महसूस करते हैं कि उनका जो सफरिंग है आपके, वो वेन, बेकार नहीं जाएगा। किसका सफरिंग, जिन लोगों को, जो लोग डिस्प्लेस हो गए उनका सफरिंग। लोग है ना, उन लोगों को क्या कहते हैं, जिन लोगों के जमीन जायदाद डैम्स की वजह से, कि तुम्हारा सफरिंग, तुम्हारा दुख वेन, बेकार नहीं जाएगा, खराब नहीं जाएगा। एक्सेप्टेड द ट्रोमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिलीविंग इन द प्रोमिस ऑफ इरिगेटेड फील्ड एंड प्लेंटिफुल हार्वेस्ट। क्योंकि सरकार ने ये कहा लोगों को कि आप जो ये बलिदान कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी जमीन का, जायदाद का, खेतों का, अपने घरों का, डैम बनने की वजह से, तो वो आपका सफरिंग, आपका जो ये मतलब कि बलिदान है जो आपने किया है, वो बेकार नहीं जाएगा। इसी वजह से बेचारों ने, जिन जो डिस्प्लेस पीपल है ना, उन्होंने गवर्नमेंट के कहने पे गवर्नमेंट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको ये वादा किया था कि
कि आपका सफरिंग, यदि आप है ना डैम बनाने के लिए अपनी जमीन जायदाद का सेक्रीफाइस करेंगे तो वो बेकार में नहीं जाएगी। तो लोग इसी से मान गए, गवर्नमेंट पे उन्होंने विश्वास कर लिया और गवर्नमेंट की डिमांड को, डैम बनाने की डिमांड को उन्होंने क्या कर दी, गवर्नमेंट की जो डिमांड थी डैम बनाने की उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और है ना गवर्नमेंट ने उनको कहा कि तुम्हारा जो आपके त्याग है वो बेकार नहीं जाएगा, जो तुम डैम बनाने के लिए अपने घर को सेक्रीफाइस कर रहे हो, खेतों को डुबो रहे हो, तो तुम्हारे को दूसरी जगह कहीं ना कहीं आपके चीज मिल जाएगी, दूसरी जगह घर खेत या जमीन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ उनको मतलब कि ये आश्वासन दिया, तो उन्होंने बेचारों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। द ट्रोमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट का जो दुख है, जो ट्रोमा है, वो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया कि गवर्नमेंट हमारे को कह रही है कि दूसरी जगह आपको जमीन जायदाद खेत दे देंगे। और गवर्नमेंट ने कहा कि इससे आपके फील्ड को इरिगेशन मिलेगी, आपको है ना हार्वेस्ट प्लेंटिफुल होता, प्रचुर मात्रा में आपको उपज भी प्राप्त होगी, हार्वेस्ट होता कटी हुई फसल। तो ये भी वादा किया कि तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा और तुम्हारे फील्ड जो दूसरी जगह देंगे तुम्हारे को, वो इरिगेट हो जाएंगे, तुम्हारे को प्लेंटिफुल हार्वेस्ट मिलेगी, मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में फसल आपकी होगी। और तुम तो इस तरीके से उन्होंने बेचारों ने डिस्प्लेसमेंट के ट्रोमा को, मतलब कि है ना डिस्प्लेसमेंट के दुख को एक्सेप्ट कर लिया। सो ऑफन द सर्वाइवर ऑफ रिहंद, रिहंद के सर्वाइवर कौन है, जो रिहंद रिवर के ऊपर, रिहंद डैम बनने से जो बेचारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब कि अभी भी मतलब कि दुख झेल रहे हैं, उनको बोलते हैं रिहंद के सर्वाइवर। तो सर्वाइवर के रिहंद पूछ कहते हैं कि दे एक्सेप्टेड देयर सफरिंग, कि उन्होंने दुख को एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट ने दुखों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, अपने दुखों को उन्होंने मतलब कि स्वीकार किया और गवर्नमेंट की डिमांड को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, एज सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने फॉर द सेक ऑफ नेशन, नेशन की खातिर, कि उन्होंने है ना आपके सेक्रीफाइस कर दिया और सफरिंग भी सहे, दुख भी सहे, किसके लिए, नेशन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा था भी हम ये डैम बना रहे हैं आपकी ज़मीन पे, तो है ना ये हम नेशन की भलाई कर रहे हैं, इससे नेशन को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इंडस्ट्री चलेगी, रोजगार बढ़ेगा, आपके खेतों को पानी मिलेगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा। तो कुछ कह रहे हैं कि हमने ये सेक्रीफाइस भी कर दिया और सफरिंग दुख भी झेले फॉर द सेक ऑफ नेशन, देश की खातिर, क्योंकि गवर्नमेंट ने देश की भलाई का आश्वासन दे करके हमारे साथ में ऐसा किया था। बट नाउ आफ्टर द 3 बिटर ईयर, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं कि 30 साल हो गए अभी, काफी कड़वे साल रहे ये 30 साल उनके लिए, बिटर काफी कड़वा अनुभव रहा, क्योंकि अपनी जमीन जायदाद वो छोड़ के आ गए, उनके पास में कोई थी नहीं, बड़े दुख झेलने पड़े। फ्रॉम एड्रिफ्ट, एड्रिफ्ट होता वही डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, अपनी जमीन से एड्रिफ्ट हुए उनको 30 साल हो गए, लगभग 30 ईयर, उनकी लाइवलीहुड है ना आपके आज भी प्रिकोरियस है बेचारों की, उनकी लाइवलीहुड आज भी जोखिम पूर्ण है, मतलब कि अपनी आजीविका कमाने के लिए आज भी वो दुख झेल रहे हैं, क्योंकि जमीन जायदाद सब कुछ उनका डैम्स ने डुबो दिया और आज है ना वो मतलब कि उनको अपनी आजीविका कमाने के भी लाले पड़े हुए हैं। और दे कीप आस्किंग, वो पूछ रहे हैं आर वी द ओनली वंस चूजन टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर द नेशन, कि देश के लिए त्याग करने के लिए क्या सिर्फ हम ही मिले थे, वही कह रहे थे कि देश के लिए त्याग करो, और देश के लिए हमने त्याग भी कर दिया, लेकिन हमारे को दोबारा से गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेट नहीं किया, बसाया नहीं, और हमारे को कुछ नहीं दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया, वहाँ पे डैम बना दिया। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि या क्या हम ही मिले देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, कोई और नहीं मिला। डू यू नो, पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा, दोबारा से पढ़ेंगे इसको दूसरी वीडियो में, क्लैरिटी नहीं आ रही है यहाँ पे अभी।